हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और यह है लेक्चर नंबर 21 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, जो कि गॉस लॉ को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। और आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है, वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके इसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज गॉस लॉ? गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप देता है गॉस लॉ। तो कूलम्स लॉ भी यही करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में रिलेशन देता था। तो गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्स लॉ में क्या डिफरेंस हुआ? कूलम्स लॉ और गॉस लॉ में क्या डिफरेंस हुआ, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है, जबकि गॉस लॉ डिफरेंट शेप के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है। ध्यान दीजिए, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ डिफरेंट शेप के चार्ज के कारण या नॉन यूनिफॉर्म शेप के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करता है। स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ इज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट जॉन कार्ल फ्रेडरिक गॉस। According to this law, the total flux linked with a closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. Phi equals to closed integral E vector dot dA vector equals to Q upon epsilon naught. इसका मतलब देखिए कि देखिए हमारे पास कुछ charges हैं। इन charges को एक surface ने enclose कर दिया। ये surface ने इस charge को enclose कर दिया। तो ये चार्ज तो हम बोलेंगे दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस। ओके, अब इस जो क्लोज सरफेस है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है? तो इस सरफेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इस सरफेस से लिंक होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होगी। ये बोला था गॉस ने। इसका मतलब ये जो फ्लक्स आया, ये किसके कारण आया? इस चार्ज के कारण। क्यों? एक बार ध्यान दीजिए, चार्ज के कारण क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज related to charge with this formula according to the Gauss. तो इसका proof देखिए। इसके proof में हमने एक point charge को consider किया है। हमने देखिए, ये point charge को consider किया है। तो इस point charge को एक closed surface enclose कर रहा है। ये जो closed surface इस point charge को enclose कर रहा है, इस point surface को, इस closed surface को हम बोलेंगे Gaussian surface. So Gaussian surface is the imaginary surface which is enclosing the point charge. Okay. Considering point charge plus Q placed at point O, surface A of radius R, the radius of the surface is R. Around charge plus Q it is imaginary and called Gaussian surface. तो अगर हमें ये बात ध्यान देनी है कि ये जो plus Q है, इसके कारण electric field कहाँ कहाँ होगा? हमें पता है इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इधर भी होगा, ऐसे भी होगा, इधर चारों तरफ इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन हम एक लाइन को एक तरफ से यहां से कंसीडर करते हैं, केवल एक लाइन को, ज्यादा पूरी भी कर सकते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहां से निकाली। अब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के चारों तरफ इसको एनक्लोज, यहां से एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लिया, इसे बोलेंगे स्मॉल एरिया एलिमेंट dA। हमने टोटल एरिया कितना है a, इसका छोटा सा पार्ट कितना है ये d। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है? e वेक्टर इधर। ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर व्हिच इज dA वेक्टर। ओके, तो e वेक्टर और dA वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है? जीरो डिग्री।
एक बार फिर से देखिए, इस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हमने ये देखा कि इतने से सरफेस से स्मॉल एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक, कितना सरफेस है, डीए वेक्टर। सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कितनी होती है, डीए वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जीरो डिग्री। ये बात ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको पता है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है, E बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिया E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ओके, स्टेप नंबर टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू का एरिया एलिमेंट इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमने लास्ट लेक्चर में इसे पढ़ा था। तो डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का सॉल्यूशन ई डी ए कॉस थीटा। ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, जीरो। कॉस जीरो कितना, वन। तो ई की वैल्यू कितनी, यहां से हमने लिखी ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आगे कौन है, डी ए। बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम डी फाई का एंटायर सरफेस के लिए, एंटायर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। तो डी फाई का एंटायर क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर कितना रह गया, डी ए। डी ए इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे हम रख देंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर, डीए की जगह रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट। के कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिख लिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। इसकी स्पेशल केसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।